आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एस बी आई योनो के तहत आप अपने बेनिफिशरी अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजीली इन वन स्टेप तो चलिए वीडियो में बने रहिए शुरू से ले लास्ट तक सारी जानकारी मैं आपको दूंगा तो सबसे पहले आपको यहाँ योनो एस बी आई को अप्लीकेशन को ओपन करना है देखिए जैसे ही योनो एस बी आई अप्लीकेशन को ओपन करेंगे इसके बाद यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करना है लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ एम पी आई नंबर इंसर्ट करेंगे इंसल्ट करते ही आपका जो इंटरफेस है वो इस तरह से शो होगा तो इसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली योनो पे पर आपको क्लिक करना है तो जैसे ही यहाँ पर योनो पे पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र दिख रहा है एंड बैंक अकाउंट तो इनमें से किसी एक ऑप्शन पे आप क्लिक कर दिए सबसे पहले आपको यदि डांड आपको ट्रांसफ़र करना है विदाउट बेनिफिशरी तो यहाँ क्विक ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक कर देना है तो देखिए यहाँ पर जैसे क्विक ट्रांसफर क्लिक कर देंगे तो यहाँ एस या अदर बैंक या फिर एम इनमें से किसी भी आप एक में सेलेक्ट कर से सकते हैं जैसा कि आपका एस का अकाउंट है तो एस का यहां पर सारा नाम डिटेल्स सेंड करके और नेक्स्ट करना है यदि आपका कोई अदर बैंक है तो यहाँ आप अदर बैंक में आईएफएससी कोड इंसर्ट करना है और यदि आपके पास यहाँ पे बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर का है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर का जो एम एम आई डी नंबर होता है वो इंसर्ट करके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं तो इस तरह से ये तो होगा क्विक ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं और यदि आपकी बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करना है तो बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए जैसे अदर अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स में दिख रहा है तो इनमें से आप यदि क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट ऑलरेडी ऐड किया है इस तरह से देखिए यहाँ पर दो ऐड हुई है इसी तरह से आप तीसरा अकाउंट किस तरह से ऐड करेंगे वो सारी डिटेल्स में आप लोगों के सामने बताऊंगा तो इसमें क्या करना है सिंपली यहाँ पे ए न्यू बेनिफिशियरी है यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड इंसर्ट करना होगा यदि आपको प्रोफाइल पासवर्ड नहीं पता है तो आपको फॉरगेट क्लिक करना है देखिए जैसे ही फॉरगेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉरगेट प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पर या तो आप क्वेश्चन जो भी है उसके तहत कर सकते हैं या फिर आप ए कार्ड और पिन के तहत कर सकते हैं तो मैं सिंपली इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करता हूँ और सबमिट करते ही जैसे ये आपके पास में कोई दूसरा अकाउंट जो दो यहाँ पे आपका प्रोफाइल पासवर्ड इंसर्ट करने को बोल रहा है कि आप जो नया प्रोफाइल पासवर्ड है वो इंसर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे दूसरा प्रोफाइल का पासवर्ड मैंने जनरेट कर दिया है उसी के बाद में आपको फिर री एंटर कर देना है देखिए जैसे ही री एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है ये कि पासवर्ड जो है एट टू ट्वेंटी करेक्टर्स का होना चाहिए देखिए जैसे ही यहाँ पर हम कन्फर्म कर देंगे तो कन्फर्म करते ही नेक्स्ट स्टेप आएगा ओ आपके मोबाइल पर जाकर जो भी रजिस्टर्ड है यदि आपका रजिस्टर नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट या जो भी ब्रांच है उसमें जाके आपको अपना अकाउंट नंबर या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज कराना पड़ेगा देखिए जैसे ही यहाँ पर सारी चीज हो जाएगी इसके बाद आपने अपना प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट हो गया है जैसे ही क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में सेम आपको वहां पर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है क्लिक करते ही यहां पर उसको प्रोफाइल पासवर्ड एंसर करके सबमिट करना है जैसे ही सबमिट कर देंगे तो सेम जैसा कि आपको क्विक ट्रांसफ़र शो हो रहा था उसी तरह से आपसे शो होगा अभी मैं एस बी आई टू एस बी आई ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे एस बी आई अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र करने के लिए क्लिक कर दिया है यदि आपका अदर बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एस बी आई अकाउंट पे क्लिक कर दिया है जैसे ही एस बी आई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम उसके बाद अकाउंट नंबर देन उसके बाद री अकाउंट नंबर तो दोबारा से री टाइप अकाउंट नंबर तो ये जो सारी डिटेल्स है वो सारे फटाफट आपको फिलअप कर देनी है मैं यहाँ पर उसके अकाउंट डिटेल जो है फ़िलअप कर देता हूँ फिलअप करने के बाद में यहाँ मैक्सिमम लिमिट आपकी मर्जी हो जितना भी आपका मनपसंद जहाँ पर डाटा डालना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं डालने के बाद में उसका निक नेम आप डाल सकते हैं देखिए जैसे निक नेम डाल देंगे उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये इस तरह से आएगा कि यहाँ पे एस बी अकाउंट तो यहाँ पे जितने भी आपके एस बी अकाउंट है इनमें से किसी दूसरे से आपको डेबिट करना है तो यहाँ से अकाउंट ट्रांसफ़र जो है चेंज कर सकते हैं इसके बाद में अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है इसके बाद जैसे इंसर्ट कर देंगे इंसर्ट करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर पर्पज़ सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर पर्पज़ सेलेक्ट करना है कोई भी एक पर्पज़ आपका वो सिलेक्ट करना और उसके बाद में आपको पे के ऊपर आपको क्लिक करना है देखिए जैसे ही यहाँ पे 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 आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से शो होगा कि आपको जो चार्जेज है ट्रांसफ़र का वो जीरो रुपीज़ है पर्पज़ आ गया और अमाउंट आ गया इसके बाद आपको कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है ये सारी चीज़ हिदायतें पढ़ने के बाद सिंपली आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे कन्फर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको पास ओ आएगा तो वो जो ओ है वो आपको मैनुअली इंसर्ट करना है तो यहाँ पर जैसे ही वो ओ आ गया है मैंने ओ टी पी को इसके अंदर एंटर कर दिया है एंटर करते ही सिंपल यहाँ से नेक्स्ट कर देना है तो जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे नेक्स्ट करने के बाद में देखिए इस तरह से शो होगा ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल तो इस तरह से अदर बैंक अकाउंट में भी आप देख सकते हैं कि जो थर्ड बैंक अकाउंट है बेनिफिशरी का वो ऐड हो चुका है और इस तरह से आप किसी भी बैंक अकाउंट में आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने फॉलो नहीं किया तो हमारे चैनल या हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय